जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। तो जिनकी यहाँ संपदा की कमी होती है, वैभव की कमी होती है, लक्ष्मी की कमी होती है, प्रतिष्ठा की कमी होती है, धन की कमी होती है, उसके लिए रविवार को अगर लोटा भरकर शिव को समर्पित करा जाता है तो घर में तेज लक्ष्मी प्राप्त होती है। निवेदन करूंगा मैं आप सबसे, मान लो कोई व्यापार में अगर तकलीफ हो, कमाई अच्छी नहीं हो रही हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, तो निवेदन करूंगा कि किसी के चक्कर में मत पड़ना, कहीं जाकर पूछना मत ही। केवल एक देव दीपावली आती है, कभी तुम लोगों ने पढ़ा पंचांग में, कैलेंडर में उसका वर्णन आता है, पढ़िए देव दीपावली। अरे बोलो तो जम के पढ़िए। एक देव दीपावली आती है, एक दीपावली, एक देव दीपावली, इन दोनों दीपावली के दिन अगर प्रयास करना, अगर बहुत कष्टमय जीवन चल रहा हो, फैक्ट्री भी ना चले, दुकान भी ना चले, व्यापार भी ना चले, और कर्जा बढ़ते जा रहा हो, टेंशन ही टेंशन पूरी जिंदगी में हो रहा हो, कहीं से संपदा आ नहीं रही हो, धक्के की जिंदगी चल रही हो, शिव कथा कर रहे। पार्वती जी ने शिव जी को गंगा नदी के तट पर देवताओं के प्रसन्नता का कारण पूछा। दीप पर्व मनाया गया, देव दीपावली का दिन हो, सात पुष्प, कितने फूल, सात पुष्प। देव दीपावली के दिन कोई भी सात पुष्प, कोई भी जो तुमको मिल जाए, सात पुष्प अपने घर के पास में, घर के अंदर जो मटका होता है, हंडा होता है, पानी का बर्तन होता है, रसोई घर में जहां तुम पानी भर कर रखते हो, सातों पुष्प को उस स्थान पर रखिए देव दीपावली के दिन। और देव दीपावली के दिन सुबह के समय पर अपने उस परिंडे की जगह पर, मटके वाली जगह पर, हंडे वाली जगह पर रखकर सात घी के दीप रसोई घर के अंदर प्रज्वलित करिए, सातों दीप की पूजन करिए, और पूजन कर वो सात पुष्प जब दीप ठंडे हो जाए पूर्ण तरह से आनंद के साथ, सुबह के समय जब आप पूजन कर लें, उन सातों पुष्प को दिन भर में से कभी भी देव अधिदेव महादेव के दरवाजे पर, शिव के दरवाजे से मतलब है शंकर के ऊपर, अगर शिव के मंदिर नहीं जा सकते तो बेलपत्री के नीचे, बेलपत्री के नीचे भी नहीं जा सकते तो पवित्र नदी के तट पर, या पीपल के वृक्ष के नीचे, या आंवले के वृक्ष के नीचे, वो सातों पुष्प को अपनी कामना कर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कुछ देर रख दें। रखने के बाद एक पुष्प उसमें से वापिस बाबा से कुबेर भंडारी का भंडार भरने के लिए लेकर आए, उसको अपने पास में रख कर देखना, अगले साल जब देव दीपावली आएगी तब तुम्हें याद आएगी कि बाबा ने भंडार भरा, खाली नहीं रखा। तो सात पुष्प, सात दीप, सुख देने वाली देव दीपावली का वर्णन कल की कथा में हम स्मरण करेंगे, उसको सुनेंगे हम उसको। सहज नहीं है शिव, माता सती का प्रागट्य होता है, सती मैया का शिव जी से विवाह होता है, बाद में दक्ष प्रजापति की सभा में ही माँ अपने उस यज्ञ मंडप में प्राणों को त्याग देती है, हिमालय राज के यहां उनका जन्म हो जाता है, पार्वती के रूप में प्रकट हो जाता है। जब अपने नजदीक में कहीं शिव कथा हो, सुनो, जाओ, दो क्षण पहुंचो। दिन में कथा में नहीं जा सकते तो रात्रि में एक बार कथा के पंडाल में जाकर प्रणाम कर आओ। दिन में समय नहीं मिले, पति को नौकरी से, दुकान से फुर्सत नहीं मिले तो उसको कहो अपने नासिक में कथा हो रही है, चार बिस्कुट के पैकेट रख लेते हैं, पानी की बोतल रख लेते हैं, भक्तों को पिला कर आएंगे। मधु का प्रयोग कर देखना। महालक्ष्मी की अगर पूजन कर रहे हो देव दीपावली पर या दीपावली पर, तो पान के पत्ते पर एक शहद की बिंदी रखकर लक्ष्मी जी को भोग लगाइए, और शंकर जी के मंदिर में उसी दीपावली को या देव दीपावली पर शंकर भगवान के शिवलिंग पर एक पत्ते पर या पुष्प पर एक बूंद शहद लगाकर शिव जी को समर्पित कर देखिए। अगला वर्ष तक इंतजार करना, बाबा आपकी जिंदगी में चार चांद ना लगा दे उस मधु के बल पर, तो आनंद के लिए प्रयास करिए। मधु में क्या बल है, यीशु महापुराण की कथा कर रही है, लक्ष्मी जी को श्राप दिया गया, तू अश्व की योनि में जाएगी, अश्वी बनेगी, घोड़ी बनेगी। भगवान नारायण ने लक्ष्मी को पृथ्वी पर भेज दिया, लक्ष्मी जी पूरी रात्रि, अमावस्या की रात्रि अंधेरे में भ्रमण कर रही हैं, कहीं उनको जगह नहीं मिली। एक दरवाजा खुला था,
दीपक टिमटिमा रहा था। लक्ष्मी जी उसमें प्रवेश कर गई। बूढ़ी माँ कपड़े बना रही थी। भोजन मंगा, भोजन था नहीं। बूढ़ी माँ ने शहद का डब्बा ढूंढ लिया, मधु की डब्बी ढूंढ ली। उस मधु की डब्बी को, उस शहद की डब्बी में से थोड़ा सा मधु लाकर लक्ष्मी जी को दे दिया। थोड़ा सा मधु लाकर, थोड़ा सा शहद लाकर लक्ष्मी जी को दिया। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा। मधु शहद एक शिवजी पर और एक माता लक्ष्मी पर। देवों में देव जो है वो महा देव है, और देवियों में जो देवी की रूप है महा लक्ष्मी। इन दोनों को शहद का प्रयोग सुख देता है। एक बूंद शहद देवती देव महादेव को चढ़ाया उसका फल है, एक बूंद शहद माता लक्ष्मी को चढ़ाया उसका फल है। शिव महापुराण की कथा कहती है, बूढ़ी माँ का पूरा मकान जो झोपड़ा था वो पूरा बन चुका था। पूरा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करें, इसलिए इस भाव का आनंद करते हुए आज की कथा को विराम देते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी।